इरेक पीडी हायरार्की ऑफ कंट्रोल हैजार्ड्स और रिस्क कंट्रोल मेथड ई फॉर एलिमिनेशन आर फॉर रिड्यूस एंड सब्स्टिट्यूशन आई फॉर आइसोलेट सी फॉर कंट्रोल पी फॉर पीपीज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट डी फॉर डिसिप्लिन ये हायरार्की ऑफ कंट्रोल हैजार्ड्स और रिस्क कंट्रोल मेथड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। मैं हूँ आशित। आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए वो हायरार्की कंट्रोल। हायरार्की कंट्रोल में सारे डिटेल्स हम जानेंगे। उसके पहले जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अच्छे वीडियो लेके आएंगे तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप ये वीडियो देख सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं डिटेल्स में। तो हैजर्ड्स और रिस्क कंट्रोल मेथड फर्स्ट है LEE फॉर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कैसे एलिमिनेशन करना है? अगर कोई हैजर्ड्स आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो फर्स्ट आपको उसको एलिमिनेट कर सकते, उसको चेंज कर सकता है, उसको रिप्लेस कर सकता है। सपोज ऐसे कोई हैजर्ड्स है, आप देखिए कोई रोलर को आप बार बार क्लीनिंग कर रहा है, उसमें रस्ट पकड़ रहा है, उसमें प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको कोटिंग आप प्रोवाइड कर सकता है। तो ये कोटिंग अगर नहीं हो रहा है, उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट कर दिया और अच्छे आप न्यू इक्विपमेंट डाला तो उसमें हैजर्ड्स एलिमिनेट हो गया। तो ये है एलिमिनेशन प्रोसेस, आप हैजर्ड्स को ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिड्यूस एंड सब्स्टिट्यूशन, आर फॉर रिड्यूस एंड सब्स्टिट्यूशन। ओके, वी कैन नॉट एलिमिनेट बट वी इम्प्रूव द डूइंग सम, आप उसमें कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे वी कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल और हु अलाउड द क्लीनिंग, वो क्लीनिंग पर्पज के लिए आपको ज़्यादा आदमी आप प्रोवाइड कर रहा है तो उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब उसमें कुछ जो प्रोसीजर वो चेंज कर सकता है, और उसमें जो रोलर को क्लीनिंग करने के लिए आप केमिकल यूजेस कर सकते हैं। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन कुछ मेटर्स और उसमें, और अगर आप रिड्यूस करने के लिए तो चेंज भी कर सकता है, उस सिस्टम को प्रोसीजर को भी आप चेंज कर सकता है। तो ऐसे रिड्यूस और सब्स्टिट्यूशन मेटेरियल्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो रिड्यूस और सब्स्टिट्यूशन का द्वारा आप हैजर्ड्स और रिस्क को आप रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आई फॉर आइसोलेट। आइसोलेट दिस इज वन इज नॉट पर्टिकुलर रिलेवेंट इन दिस केस ऑफ, बट लेट से द केमिकल वॉज एक्सट्रीमली टॉक्सिक, अगर केमिकल एक्सट्रीमली टॉक्सिस है, ओनली अप्लाई टू द मशीन मे बी स्क्रीन, आप स्क्रीन मशीन का जो स्क्रीन प्रोवाइड कर सकते हैं सेपरेटली, आप रूम प्रोवाइड करके आइसोलेट करके आप हैजर्ड्स को उसमें रिड्यूस कर सकते हैं, हैजर्ड्स को रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, हैजर्ड्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये है प्रोसेस, ये लोकल कंट्रोल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल मेथड। ये कंट्रोल मेथड दो टाइप का आपको डिवाइड किया गया है, एक है इंजीनियरिंग कंट्रोल, सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल आप उस मशीन को एनक्लोजर प्रोवाइड कर सकता है, कोई मशीन को आपको गार्ड नहीं है उसमें गार्ड प्रोवाइड करके वो हैजर्ड को आप कंट्रोल कर सकता है, और उसमें आपको अगर जो एग्जस्ट है, जैसे लोकल कोई एग्जस्ट मशीन है जहाँ पे एग्जस्ट ज़्यादा स्मोक निकलता है तो आपको एग्जस्ट फैन आपको वेंटिलेशन इस्तेमाल कर सकता है, मशीन गार्ड आप प्रोवाइड कर सकते हैं, सेफ्टी कुछ डिवाइस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें करने से क्या है, ये इंजीनियरिंग कंट्रोल का द्वारा आप कोई भी मशीन के हैजर्ड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव अगर जो वर्कर काम कर रहा है तो उसको आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई हैजर्ड्स हो रहा है, अगर वो हैजर्ड अफेक्टेड हो रहा है, वर्कर को जानकारी नहीं है, उसमें चोट लग रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, और वर्कर्स को आप कंज्यूम मतलब एक्सपोजर लिमिट को आप कम कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ हैजर्ड्स कंट्रोल। तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव का द्वारा आप वो हैजर्ड्स को कंट्रोल और रिस्क को भी रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पीपीज। पीपीज इज द लास्ट प्रोटेक्शन। सारे कंट्रोल अगर आप हैजर्स को कम नहीं कर पाया, रिस्क को रिड्यूस नहीं कर पाया, तो आप पीपीज प्रोवाइड कर सकते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सच एज वियरिंग सुटेबल वेल मेंटेड ग्लोव्स, हैंड ग्लोव्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं, आई प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी प्रोवाइड कर सकते हैं, ईयर माफ साउंड ज़्यादा होता है तो ईयर माफ और ईयर प्लग प्रोवाइड कर। तो ऐसे पीपीज बहुत टाइप करके एज पर रेस्पेक्टिव का जॉब और जॉब नेचर वाइज आप पीपीज प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब डी फॉर डिसिप्लिन, मेक श्योर ऑल कंट्रोल्स आर मॉनिटर। तो आप सारे जो इतना कंट्रोल है, ये कंट्रोल मेजर है, इरेक्टिविटी का जो कंट्रोल मेजर मॉनिटर करना है और रिबूट और एनफोर्स, उसका रिव्यू करना है और एनफोर्स करना ही है। तो ये है इरेक्ट पीडी, दिस इज द रिस्क एंड हैजर कंट्रोल मेथड। ये मेथड्स आप अप्लाई करते हैं तो कोई भी कंस्ट्रक्शन फील्ड, कोई भी फैक्ट्री फील्ड, प्रोडक्शन फील्ड में आप हैजर्स और रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप जो कंट्रोल मेथड के बारे में आपको जानकारी मिला। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।